हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो रेमेडीज लेके आई हूँ वो है व्हाइट हेयर को हम ब्लैक हेयर कैसे बनाएं, क्योंकि आजकल ये समस्या सबको बहुत बढ़ गई है। छोटी एज में बहुत ही सब लोगों को व्हाइट हेयर होने लगे हैं। उसके लिए आज मैं ये रेमेडीज लेके आई हूँ, और ये रेमेडीज आप रेगुलर अगर यूज करते हो तो डेफिनेटली 100% आपके व्हाइट हेयर ब्लैक हेयर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं जो अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ वो है कि ये चैनल पे मेरे 7000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार की वजह से और आपके सपोर्ट की वजह से आज मेरा चैनल इतना अच्छा ग्रो हो चुका है। और दूसरा ये है कि मैंने अपना दूसरा नया चैनल शुरू किया है, उसका नाम है ओरो 1 मिनट क्राफ्ट। उस चैनल पे वहां पे ऑल टाइप्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे और बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियो रहेंगे। तो आई होप आप उस चैनल को भी इतना ही प्यार देंगे और उस चैनल को भी इतना अच्छा ग्रो करेंगे। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली मेंबर और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन के पीरियड का हम मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं, और आज जो हम रेमेडीज बताने वाली हूँ अगर आप उसको रेगुलर यूज करते हैं तो आपके 100% आपके व्हाइट हेयर ब्लैक हो जाएंगे। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है हमारा कॉफी। कॉफी यहाँ पे मैंने 1 स्पून लिया है। सेकंड इंग्रेडिएंट्स है हमारा टी, और यहाँ पे हमें ब्लैक टी बनानी है। उसके लिए 1 स्पून मैंने टी लिया हुआ है, और 1 कप हमने वाटर लिया है। 1 कप वाटर को जब तक हाफ ना हो जाए तब तक हमें इसको उबालना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा ब्लैक टी बनने को आया है। अभी इसको हम छान के फिर यूज करेंगे। तो अभी हम इसमें 1/2 कप ऑफ टी, ब्लैक टी जो हमने बनाया था वो हम डालेंगे, और कॉफ़ी और टी को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक कॉफ़ी टी के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक उसको स्पून की हेल्प से हमें अच्छे से उसको मिक्स करना है। मिक्स हो जाए उसके बाद हमें हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑनियन जूस। ऑनियन जूस यहाँ पे मैंने 1 स्पून लिया हुआ है। ऑनियन जूस 1 स्पून डालना है, उसके बाद वो सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से स्पून की हेल्प से हमें मिक्स कर लेना। तो हमारा अगला इंग्रेडिएंट्स है विटामिन ई कैप्सूल्स। यहाँ पे मैंने विटामिन ई इवियन की कैप्सूल्स ली हुई है, ये आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स लिए हैं, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स में ऐसे न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स रहते हैं जो हमारे हेयर को हेयर का रीग्रोथ करता है, हमारे हेयर का जो एक्सेस हेयर फॉलिंग होता है उसको स्टॉप करता है, और जिसके छोटी एज में वाइट हेयर हो जाते हैं तो उसको भी ब्लैक हेयर करता है। उसको हमें रेगुलर यूज करना होगा तभी इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। तो अभी इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अभी हमने जो पैक बनाया था उसको हमें ड्रोपर की हेल्प से अपने स्कैल्प में लगाना है, और हल्के हाथ से इसे मसाज करना है। अगर ड्रोपर नहीं है तो आप कॉटन की हेल्प से भी पूरे स्कैल्प में लगा सकते हैं। लगाने के बाद उसको 1 आवर के लिए छोड़ देना है, उसके बाद फिर उसको हेयर वॉश करना। आई होप आपको ये रेमेडी जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और मेरे दूसरे वीडियो को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।